IPL हर साल नए अंदाज में आता है और लोगों का भरपूर मनोरंजन करता है। शुक्रवार 31 मार्च से IPL का 16वां सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें दिखेंगे कई बड़े बदलाव जो गेम के साथ ही फैंस को नया रोमांच देंगे। पहला बड़ा बदलाव यह है कि दोनों टीमें टॉस के बाद प्लेइंग 11 का चुनाव कर सकती हैं। अभी तक दोनों टीमों को टॉस से पहले ही प्लेइंग 11 चुननी होती थी और उसे मैच रेफरी को देना होता था। अभी तक टीमें विकेट हासिल करने या विकेट बचाने के लिए ही DRS का इस्तेमाल करती थी, लेकिन IPL 2023 में अब टीमें नो बॉल और वाइड बॉल को लेकर भी DRS ले सकती हैं। IPL में इस बार इंपैक्ट प्लेयर नई जान फूंकने वाला है, जो मैच को बेहद रोमांचक बना देगा। टॉस के समय कप्तान को प्लेइंग 11 के साथ ही 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम भी देने होंगे। पारी का 14वां ओवर शुरू होने से पहले कप्तान इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतार सकता है। इस बार स्लो ओवर कराने से जुड़ा नया रूल भी ऐड हुआ है। अगर किसी मैच के दौरान कोई टीम निर्धारित समय में अपने ओवर नहीं फेंक पाती है, तो उसके बाद टीम को 30 गज के दायरे के बाहर केवल 4 फील्डर रखने की परमिशन होगी। इसके अलावा पेनल्टी लगाने का भी नया नियम ऐड हुआ है, जिसमें कीपर या फील्डर द्वारा किसी भी अनुचित हरकत से बल्लेबाज का ध्यान भटकता है और गेंद डेड हो जाती है, तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा।